बहुत सारे बुद्धिजीवी बैठे हैं, पंजाब नूं प्यार करन वाले लोग हर वर्ग तो बैठे हैं तो सुन भी रहे हैं। पहली गल तो मैं दसदा कि यह एक डिबेट है जिन्हां ने हुण तक राज कीता जां डिसीजन मेकिंग पावर रही जिन्हां कोले उन्हां नाल डिबेट है। हाल दे विच बहुत सारे लोग किसी होर पार्टी नाल संबंधित भी बैठे होणगे, एक गल मैं क्लीयर कर देनी चाहुंदा, ना तां इत्थे अज कोई जित्तण हारना आया, ना इत्थे अज कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद करना आया, ना इत्थे किसी दे हक च बाहां खड़ियां कराई जाणगियां, ना ही किसी की हूटिंग होगी, ना ही किसी के हक चीकां मारिया जाएगियां, तो ना ही कोई होलड़बाजी होगी। जस्ट बहुत गंभीर डिबेट करनी है, बहुत सूखम मुद्दों पर आप विचार करना। चंगा होंदा मेरे साथी इत्थे आउंदे पिछले 25-30 दिनों तो बहाने लाउंदे 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 इस गल ते पहुँच गए कि असी नहीं आउंदे। एक गल शायद परमात्मा ने जिस दिन मेरे तो ये ट्वीट करवाया सी कि रोज़ दी किच किच नालों चलो आपां कट्ठे बहने आ, पंजाब दी किसानी पंजाब दी जवानी व्यापार दुकानदार मोह मलाजे टोल पलाजे गुरुआं दी बाणी ते नहरां दा पाणी हर मुद्दे ते आपां गल करदे आं बह के। जिस वेले परमात्मा ने मैनूं बल बख्श के लिखाया होगा शायद वह उस दिन ही मुकर गए होणगे वी आह की पंगा पै गया। असल च की है, पहली बार होया कि राज करन वालियां तीन धिरां कांग्रेस नाओ डेज बीजेपी, पहले कांग्रेस ही सी भी अकाली दल फिर कांग्रेस। सो बीजेपी कांग्रेस के कल तीन धिर पहली बार होया कि पंजाब की राजसत्ता तो बाहर हो गई, तो पहली बार होया कि इन्हों किसी ने सवाल पूछा कि तुसी फैसले किहड़े लए, नहीं तो यह एक दूजे तो सवाल पूछते ही नहीं सी। तीजा बंदा आऊगा तो दो बंदे नू पुछूगा ना सवाल, आपस तर जदों सवाल पूछने नहीं एक दूजे ने। पर मैं अज सारियां चिट्ठियां सारे फैसले थोड़े सामने तरू, एक बारी ताड़ियां मार के मैं इजाजत दे दो कि मैं एक काम कर सकता। परमात्मा ने बल बख्शिया, समत बख्शी है, होर समत बख्शे। मैं शुरू करदा एस वाई एल तो। एस वाई एल का जिहड़ा पूरे इंडिया दे विच जिहड़ा पानिया का झगड़िया नाल निपटन वाला जिहड़ा कानून है एक्ट है जिहड़ा इंटरस्टेट रिवर वाटर, वो 1956 का है, 1956 का है। पर पंजाब इक्को एक सूबा है जिहदे पानिया की वंड वास्ते पंजाब पुनर्गठन एक्ट 66 लिआंदा है, एक वक्खरी व्यवस्था कर ली। सब तो पहला धक्का तो इत्थे हो गया जी कि बाकियां वांगू पानी नहीं वंडना, पंजाब तो अलग पानी लेना किसी होर तरीके नाल। ज्ञानी जैल सिंह जी आ गए, उन्हां दा कार्यकाल आ गया 1966 दे विच, सारियां एसेट वंड लियां पंजाब ते हरियाणा ने आपस च 60-40 का अनुपात करता कि 60% हिस्सा पंजाब का होगा 40 हरियाणा का। पर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने नोटिफिकेशन राही जबरदस्ती ब्यास दे पानियां ते धक्के नाल पंजाब ते हरियाणा दा 50-50% करता जी, 10% तो उत्थे ही मारे गए जी भी 50-50 होगा। तो कांग्रसी मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी विरोध कर ही नहीं सकते सी जदों उपर कांग्रेस है, तो इस करके 16/11/76 जिहड़े तत्काली मुख्यमंत्री सीगे उन्होंने हरियाणा तो 1 करोड़ रुपए का चैक ले लिया ता कि एस वाई एल का निर्माण शुरू हो सके। 16/11/1976 1 करोड़ रुपया एक्सैप्ट कर लिया गया पंजाब सरकार वालों। फिर उस तो बाद ये आ गए प्रकाश सिंह जी बादल 1977 च सरकार बनाई, 20 जून 1977 तो 17 फरवरी 1980 तक 3 साल लगभग राज किया जी। बादल साहब ने एक बार भी
हरियाणा नूं पाणी देण वाली जिहड़ी नहर दा काम रोकिया नहीं, सगों उन्हां दा पत्र नंबर है 29617 है मेरे ख्याल च, उहदे राहीं 4778 नूं उसारी वास्ते 3 करोड़ रुपये होर मंग ले, 20 करोड़ तां पहुँच गया बाकी दिओ, इहदा मतलब उधरों भी मंजूरी है कि असीं बनावांगे नहर। तां 31/3/1979 नूं, क्योंकि 31 आखिरी तरीक हुंदी है फिस्कल ईयर दी, आर्थिक बरे दी, 31/3/1979 नूं अकाली दल सरकार ने हरियाणे तो 1.5 करोड़ रुपये का चैक नहर बनाउण वास्ते फेर ले लिया जी। हुण गल क्लीयर होगी ना, करोड़ उन्होंने मंगया, 1.5 करोड़ इन्होंने मंगया, फिर ये नाल चलता होगा कितने, नहीं नहीं उत्थे चलता ना, पब्लिक नूं भी पता लगे ना कि चल रहा ना। हाँ फिर की होया, प्रकाश सिंह बादल ने SYL नहर नूं उसारी वास्ते बहुत घट समय च जमीन अक्वायर करने वास्ते एक लैटर जारी किया जी लैंड एक्विजिशन का, जिदे विच एमरजेंसी क्लॉज लाया गया, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसां च लगता है कि बहुत जल्दी है जमीन अक्वायर कर लो। मेरे को लैटर मेरे अफसर को होगा शायद, कृष्ण जी आप जोड़ा साहब फड़े, मैं अज सारा कुछ लिखे। जमीन अक्वायर करन दा लैटर जारी करता